तहसीलदार साहब एक गुरदर्शन कौर एक प्रवीण कौर इन्हों की यह जगह है समझे इंग्लैंड तो आए ठीक है इन्होंने कंप्लेट पाई है कई बार तुहाडे दफ्तर च गए कई बार एस डी एम दे कई बार कई थावां ते गए पुलिस दे गए जिहड़े बंदे मार रहे आ तुसी ए वेरीफाई करके पहला इन बंद कराओ पहला इन्हों की जगह जिहड़ी इन्हों की जगह पूरी कर किसी एन आर आई की जगह तक कब्जा नहीं होना जी सुन दे गल हां ये टोटल जगह जी सारी यदि निशानदेही करा के जेडी इन्हों की जगह उस सर इन्हों मतलब दिखती है ठीक है कि हालत देखो दो भैन की उन्होंने सट लगी है यह बजुर्ग ने यह दफ्तर च फेरे मार दिया बेचारियां सर एक गल थोड़ी है कि बेचारियां बार बार फेरे मार तुरी फिर आप कोई इंसाफ ना दीए तहन मैं इस करके सद्या कि सारा वेख के टोटल ठीक है हां ये जरा मतलब थां वाद है इन रोक के दोबारा करा के जरा सही है ठीक है जे उन्होंने को पेपर ने सही वेख के उन्होंने जेडे उन्होंने बनता उन्होंने दो जो इन्हों का बनता इन्होंने दो हां इन्हों अज तो बाद नहीं मतलब इदा का बस तंगी होनी चाहिए ठीक है कि गल हां ये बेचारे इंग्लैंड तो आए देखो तुम लंडन तो आए मैं तो आया कई बार पहला भी एक बार आई सी तो यह कहें भी अं बार बार दफ्तर च गए साड़ी किसी ने सुनी नहीं गई ठीक है ना ये तुसी सर ये बंद करा के दोबारा सारे थां की निशानदेही करा के इन्हों का टोटल आप सारे का सारा करो हां बात करो ठीक है कि नहीं गल हां मतलब करा गए जी सर ठीक है ना मैं तो इन्हों सद मामले कई सामने आते पे विजिट भी करते पे हो लगता कि 10-15 साल जो विदेश एन आर आई परिवार रहने उन्होंने जगह उपर कब्जा होंगे देखो ये की होंगे कि जगह खाली पड़िया होंगे जी जेड़ा ये लैंड माफिया ये बड़े किस्मत है ये वेख लेंगे कि इस जगह तो कोई आया ही नहीं 10-15 साल हो गए थले क्योंकि बड़ी भैड़ी हाल सी थले मतलब जरा पटवारियां पटूरिया रल के करके कुछ दाली मतलब कागज बना के बेचारे लोगों की जायदाद दब लेंगे ये मेरे को गए थे तो मैं इन्होंने कहा भी चलो मैं नाल तुहाडे चलदा क्योंकि देखो इस हालत दे विच लंडन तो आए समझे कि गल इन्हां दी जगह कितनी महंगी जगह करोड़ों की जगह 27 किले जगह सी बेचारे इन्हों कोई इंसाफ नहीं मिला कई चिर तुरे फिर जो लैंड माफिया है जो ये बेचारे जाते कि डीसी दफ्तर कि होर इधर उधर जाते हैं सर वो अपनी अप्रोच करके बेचारे उतो आते अपनी अप्रोच कर लेंगे इतने कोई ना कोई अट्टी सट्टी ला के इन्हों का टाइम लगा के इन्होंने वापस जाना होंगे ठीक है कि नहीं इस करके मैं आप खुद था आया मौके से मैं इन्होंने कहा कि तुसी इस गल का मतलब बिल्कुल फिक्र ना करो पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार है असी किते किसी का नजायज कब्जा नहीं होने देंगे किसी एन आर आई समस्या नहीं आवांगे पर मान साहब ने हिदायत की है सानू भी सब अफसर कि किसी भी एन आर आई की जगह उत्ते सर कोई कब्जा ना होने देंगे ना किसी दबन देंगे जिन्हें भी एन आर आई जगह किते ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟੋੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ एन आर आई की जगह उत्ते कब्जा कराने की कोशिश करूंगा उसके खिलाफ सर सख्त कार्रवाई कोई भी हो जी कोई मैं ये नहीं कहता कि कोई पुलिस मुलाजम है चाहे कोई कोई भी है कोई भी हो कोई बंद आम बंदा भी हो असी भी कहे एन आर आई दे सर जमीन के उत्ते कब्जा नहीं कर इंग्लैंड तो है बिल्कुल कार्रवाई होगी मैं तहसीलदार साहब कहा कि सारी जगह भी इन्होंने टोटल इन्हों की निशानदेही करा के करोड़ा अरबा की जगह है यह कोई छोटी जी जगह नहीं है इन्हों की सारी निशानदेही करा के जो पुराना कोई पटवारी ने गड़बड़ की हुई जाके होर अफसर ने गड़बड़ की हुई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे।